Okay, I hope I'm audible to you guys. Just a sec. Okay, so today we are going to talk about टू टॉपिक्स. आरएसटीवी में हम दो डिस्कशन करेंगे आज. पहला हम बात करेंगे इंडो म्यांमार टाइज की और दूसरा हम बात करेंगे पैंडेमिक की. कोरोना वायरस के ऊपर मैं ऑलरेडी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको पता, आपने देख भी लिया होगा होपफुली वो वीडियो. तो उसके उसकी हम बात करेंगे. बेसिकली मैं कोरोना वायरस के बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगी कि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं आपको पैंडेमिक के बारे में बताऊंगी क्योंकि बोला गया है कि ये पैंडेमिक हो चुका है. तो पैंडेमिक होता क्या है, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि पैंडेमिक है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. तो जस्ट कुछ सेकंड्स वेट करते हैं, 30 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे बारे में चाहें तो इस पेज पे से पढ़ सकते हैं. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं. जस्ट अ सेक. यस, लाइव क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. तो वहां पे अगर आप फुल फ्लेज्ड क्लासेस लेना चाहते हैं और आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप हमारी क्लासरूम में जरूर आए, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. उससे पहले हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप खुद को ऐड कर सकते हैं. और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप कैटेगरी चूज करेंगे यूपीएससी सीएससी. फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month. अगर आप सही में प्रिपेयर कर रहे हैं फुल फ्लेजेडली तो आपको एटलीस्ट 1 year का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, वरना अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 1 month का भी ले सकते हैं. और इस पे ये कोड जरूर यूज करें, रजनी लाइव, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, तो कोड है रजनी लाइव. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया म्यांमार की. तो इंडिया म्यांमार में अभी अभी 10 अग्रीमेंट्स हुए हैं, काफी सारे फील्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ में. दोनों में जो अग्रीमेंट हुआ है दैट इज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और म्यांमार के प्रेसिडेंट. हैदराबाद हैदराबाद हाउस पे ये हुआ था अरेंजमेंट. देखिए, म्यांमार के साथ हमारे बहुत ज्यादा रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक टाइज है. कैसे है वो मैं अभी धीरे धीरे करके आपको क्लास में बताऊंगी. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो दो चीजें हैं. पहला, तो म्यांमार 4 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है. मैप के क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कौन से 4 इंडियन स्टेट्स हैं वो? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. उसके अलावा म्यांमार इकलौता ऐसा आशियन कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, इसके अलावा भी ये जैसे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, ठीक है, और उसके बाद उस साइड सारा साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है. तो ये एक तरीके से गेटवे का काम करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए. फिर हमारी दो पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज, उसके तहत इंडिया अपना कॉपरेशन बना के रखेगा म्यांमार के साथ. ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो इंडिया म्यांमार का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अभी जो उनका जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो करीब 1.5 टू 2 बिलियन डॉलर्स के बीच में हमेशा होता है. अभी का जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर्स है. ठीक है, तो अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं वो बेसिकली ज्यादातर अग्रीमेंट जो रखाइन स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर ही हुए हैं. उसके अलावा कोऑर्डिनेट बस सर्विस है इम्फाल और मैंडले के बीच में, वो अप्रैल, इस साल अप्रैल में शुरू हो जाएगी. उसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे. तो एक एक करके हम सारे रिलेशंस की बात करते हैं. सबसे पहले है इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं दोनों कंट्रीज के. तो हमारे जो बायलेटरल ट्रेड है, इन दोनों कंट्रीज से जो बायलेटरल ट्रेड है वो काफी सालों से 107 अभी तक 107 मिलियन डॉलर्स तक रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा देखिए जो चाइना है, सिंगापुर है, कोरिया है, रशिया, कोरिया, जापान, थाई और वियतनाम के बिजनेस के डेवलपमेंट की वजह से, आपको पता ही होगा चाइनीज डेवलपमेंट की वजह से, उनके बिजनेस के डेवलपमेंट की वजह से जो आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो एनीवे सफर करते हैं, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब सफर करता है, राइट? तो उसकी वजह से म्यांमार में भी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी वो काफी सीज हो गई है. इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया चाहे तो म्यांमार के पावर, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इन सब में इन्वेस्ट कर सकता है और डेफिनेटली इन्वेस्ट करेगा भी. पल्सेस की अगर बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट आइटम है म्यांमार के एक्सपोर्ट बास्केट में. म्यांमार में अभी मैंने आपको बताया जैसा कि उनका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अब सीज हो गई है, तो उनका एक्सपोर्ट बास्केट बहुत लिमिटेड है. ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें वो एक्सपोर्ट नहीं करते, बट पल्सेस काफी बड़ा एक आइटम बनता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है. ये तो बात हुई इकोनॉमिक रिलेशंस की. डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और म्यांमार काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो डिफेंस जो टाइज हैं वो स्ट्रांग होते जाएं. म्यांमार ने
रॉकेट लॉन्चर्स अक्वायर किए हैं, नाइट विजन सिस्टम्स अक्वायर किए हैं, रडार और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट अक्वायर किए हैं, उन सबका मिला चला के कुछ 37.9 मिलियन डॉलर्स का आता है जो इन्होंने इंडिया से अक्वायर किया है, रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन सिस्टम्स एक्सेट्रा, जो इन्होंने इंडिया से अक्वायर किया है। कल्चरल टाइज की अगर बात करते हैं हम, तो जो 11th सेंचुरी का अनंदा टेम्पल है म्यांमार में, वो अर्थक्वेक में डैमेज हो गया था और इंडिया ने फिर असिस्ट किया था उसको रेनोवेट करने के लिए। जितना हमने म्यांमार को हेल्प किया उतना किसी और कंट्री ने हेल्प नहीं किया। जैसे कि आपको कालादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पता होगा, मैं मैप में भी दिखा देती हूँ, ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता से ये रहा, ठीक है, यहाँ से ये पूरा सी रूट के थ्रू जाता है, यहाँ पे रिवर कालिदान है, ठीक है, कालादान है, वहां से ये म्यांमार के हाईवेज तक जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया और म्यांमार का ये कनेक्शन है कालादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर के थ्रू। उसके अलावा भी 69 ब्रिजेस जो थे तामू कलेवा रोड पे, उनको रिपेयर कराया है इंडिया ने। कंस्ट्रक्शन हुई है 120 किलोमीटर कलेवा यारगी कॉरिडोर की। उसके अलावा रीतिधिम रोड है चिन स्टेट में, जो मिजोरम से बॉर्डरिंग है, मिजोरम का बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पर इस रोड का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा हमने हेल्प की है, और ये कल्चरल टाइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। अब ये है कि कोशिश तो हमने की है, पर ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इसलिए इंडिया को इसका बहुत अच्छा कुछ जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट मिल नहीं पाया। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया को असिस्टेंस, इंडिया की असिस्टेंस अगर म्यांमार की बात करें कि इंडिया किस किस तरीके से म्यांमार को असिस्टेंस देता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग में, एक सेकेंड रुकिए, यस आई कैन सी आप लोग आ गए हैं, गुड इवनिंग मैम, अभी गुड आफ्टरनून है। देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें म्यांमार में, तो 6 सेंटर्स हैं इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर इंडस्ट्रियल स्किल्स तक सब में। उसके अलावा म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो मेंडले में सेटअप हुई है, उसका कोलैबोरेशन था IIIT बैंगलोर के साथ, और ग्रेजुएट्स के लिए वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। उसके अलावा भी है एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जो इंडिया के ICAR के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, और ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है उनके रिसर्च का, इसमें काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये रिसर्च पर्पजेस का पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए। तो इंडिया का असिस्टेंस इन सब चीजों में तो मिला ही है म्यांमार को। उसके अलावा हमारा क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के साथ, मतलब हम अगर हेल्प करें भी तो क्यों करें, व्हाट इज आवर इंटरेस्ट इन दैट। तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि म्यांमार जो है, म्यांमार या अभी हम म्यांमार की बात करें तो इसलिए म्यांमार, अदरवाइज फॉर एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, ताकि वो चाइना के ऑर्बिट में स्लिप होके ना रह जाए, चाइना के अंडर ना रह जाए, इसलिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनाने के लिए ये इंडिया का इंटरेस्ट है। उसके अलावा म्यांमार का जो मिलिट्री कॉपरेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आपको पता ही होगा जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती रहती है, नागा इंसर्जेंसी है, मिलिटेंट्स है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उन सबके लिए म्यांमार का जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए भी इंडिया का इंटरेस्ट बना रहता है म्यांमार में। हम और जैसे रोहिंग्यास, यस सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जिसके बाद बार बार होती जाती है वो है रोहिंग्यास। देखिए आपको पता ही होगा रोहिंग्यास का काफी ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ था, राइट, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, उसकी वजह से इन्फ्लक्स हुआ था। तो रोहिंग्यास की जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी जो टेंशन्स हैं बांग्लादेश और म्यांमार के, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए, इन सबको दूर करने के लिए इंडिया उसमें हमेशा इंटरेस्ट प्ले करता रहता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो रोहिंग्यास का ही है कि देखिए हम हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स ट्रू, बट अगर सारे इमिग्रेंट्स यहीं पर आ जाए, अगर सारे लोग वहां छोड़ के यहीं पर आ जाए, तो हम अभी फिलहाल हम किन किन को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम हुए सीए की, CA NRC NPA, ये सारे, इन सबके बीच में ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो करता है इंडिया के लिए। तो रोहिंग्या इमिग्रेंट्स की जहां तक बात होती है, वो एक चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा जैसे रोहिंग्यास को जो डिपोर्ट करना चाह रहे थे हम म्यांमार के लिए, ये एक म्यांमार की तरफ वापस है, ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि म्यांमार में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स की वजह से वो छोड़ के इंडिया आए हैं, हम इंडिया से वापस उन्हें म्यांमार भेजना चाहते हैं, म्यांमार उनको अपनाता है नहीं, तो ये बीच में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम की तरह सामने आता है। सो दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और क्या है, हमारे पास जो इंडियन बॉर्डर है वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने बोला था कि जो स्मगलिंग है आर्म्स की, ड्रग्स की, काउंटरफीट करेंसीज की, वो बॉर्डर पे बहुत ज्यादा देखी जाती है, और क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आती हैं।
बीजिंग की अगर बात करें तो बीजिंग काफी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं, तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रॉब्लम था, या एक तरीके से बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ये आपको बताना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, क्योंकि मैंने एक क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और ये म्यांमार के साथ कैसे कनेक्टेड है या इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मैरिटाइम बाउंड्रीज की, तो लैंड बाउंड्रीज है, मैरिटाइम बाउंड्रीज है, ये एक और प्रॉब्लम की तरह बना रहता है दोनों साइड्स के लिए। देखिए अब क्या है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज की मैंने बात की थी अभी पीछे, जिन कंट्रीज की मैंने बात की थी, वो सारी ही कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, बॉर्डर वाइज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो एक भी एरिया में अगर कोई एक कंट्री का दबाव बढ़ता है तो वो सारे एरियाज के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, और वही प्रॉब्लम हो रही है म्यांमार के लिए भी। तो वहां पर इंडिया काफी हद तक हेल्प करने की कोशिश करता है म्यांमार की। हाय, गुड आफ्टरनून। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इन दोनों के बीच में, अभी फिलहाल ये न्यूज में क्यों था, सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 अग्रीमेंट साइन किए गए थे डिफरेंट एरियाज में। तो आपसे जब पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए किस किस एरियाज में अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इनका कैसा रिलेशन रहा है। अगर आपसे आंसर राइटिंग पूछा भी जाता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिटेल में, यही कि इकोनॉमिक कैसा है, कल्चरल कैसा है, ये सारी चीज आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर आंसर राइटिंग। तो ये तो बात थी इंडो म्यांमार की। अब हम बात करेंगे पैंडेमिक की। एक और चीज रहेगी, हाँ, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ये चाइना म्यांमार की क्लोजनेस अगर हो रही है तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखिए चाइना ऑलरेडी अगेंस्ट इंडिया है, राइट। चाइना इनफैक्ट अगेंस्ट कोई भी सुपर पावर है, वो एक किसी भी एरिया में खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद को सुप्रीमेसी दिखाने के लिए दैट ट्राइज अलॉट, लाइक चाइना ट्राइज अलॉट, राइट। अब हम म्यांमार की हेल्प तो करते आ रहे हैं इतने टाइम से, पर अगर चाइना और म्यांमार में बहुत ज्यादा क्लोजनेस होती है, तो क्योंकि म्यांमार इंडिया के बॉर्डर पे है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, दैट इज द मेन इशू। अब हम बात करते हैं पैंडेमिक की। तो देखिए अभी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया अभी था कोरोना वायरस का, लास्ट ईयर चाइना में कोरोना वायरस आउटब्रेक शुरू हुआ था 31 दिसंबर को, और अभी फिलहाल वो सारी कंट्रीज में, सारे कॉन्टिनेंट से पहुंच चुका है एक्सेप्ट साउथ अमेरिका एंड अंटार्क्टिका। ज्यादातर केसेस चाइना में ही हुए, लेकिन फिर भी काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इसको पैंडेमिक की तरह बोल दिया गया कि ये बिल्कुल वर्ज पे है पैंडेमिक बनने के। अब देखिए ये पैंडेमिक होता क्या है, पैंडेमिक तब कहते हैं हम किसी भी डिजीज को जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जंप करती जाती है और उसके सिम्टम्स विजिबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पैंडेमिक में जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा जैसे अब आप देख सकते हैं डेथ हो रही है लोगों की इस वजह से, तो दैट बिकम्स अ पैंडेमिक, सारे एरियाज में फैल रहा है और ऊपर से डेथ हो रही है, इसके सिम्टम्स विजिबल हैं, तो ये पैंडेमिक बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि पैंडेमिक होता क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक ऑफ डिजीज। एपिडेमिक होता है जब किसी एक एरिया में स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। वही चीज अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लग जाए तो हम उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पैंडेमिक क्या होता है, एक तरीके से एपिडेमिक है जो बहुत सारे रीजन से बहुत जल्दी से वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। द वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज दैट इज स्टेबल इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग सिक फ्रॉम इट इज नॉट पैंडेमिक। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऐसा एंडेमिक डिजीज जो फैल तो रहा है लेकिन लोग उसमें, जो डिजीज वाले लोग हैं जो जिनको वो इफेक्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको आप पैंडेमिक नहीं बोलोगे। मैंने क्या बोला, पैंडेमिक का पहला है कि वो स्प्रेड करेगा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसके सिम्टम्स शो करेंगे। अगर सिम्टम्स बहुत स्टेबल हैं, अगर लोग बहुत स्टेबल हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं हो रहे, तो वो पैंडेमिक नहीं होता है। ओके, अभी तक अगर हम देखें तो काफी सारे पैंडेमिक्स हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे, जैसे ब्लैक डेथ था जिसमें करीब 75 to 200 million पीपल की डेथ हो गई थी 14th सेंचुरी के अंदर। अभी का जो करंट पैंडेमिक है वो HIV/AIDS का है, विच स्टार्टेड इन 1980s में ये स्टार्ट हुआ था। और अभी रिसेंट पैंडेमिक्स में से और क्या आता, 1918 का इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, या फ्लू पैंडेमिक जिसको H1N1 भी कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं, राइट। तो ये सारे कुछ पैंडेमिक्स है जो फैले हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें, जैसे कि पैंडेमिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बताता है पैंडेमिक में, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने लोग सिक हो रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं और कितनी तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे स्पोरेडिक हो सकता है, एंडेमिक हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, फिर पैंडेमिक होता है। स्पोरेडिक का मतलब कोई भी डिजीज जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी फ्रीक्वेंट नहीं है या रेगुलर नहीं, इरेगुलर है या इनफ्रीक्वेंट है, उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं।
स्पोरैडिक का वैसे भी क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में, फैला हुआ, इधर उधर बस फैला हुआ, ठीक है। तो स्पोरैडिक का क्या मतलब होगा कि जो डिजीज है वो इरेगुलर है और इनफ्रीक्वेंट है। एंडेमिक का क्या मतलब है कि उस वो डिजीज किसी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर बार बार होने लग जाता है, ठीक है, दैट इज एंडेमिक। एपिडेमिक का क्या मतलब है, बहुत सारे सडन इंक्रीज हो जाए इसी एरिया में, किसी भी पॉपुलेशन में अचानक से बहुत तेजी से अगर जो डिजीज है वो स्प्रेड होता है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या है, जब वही डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज में कॉन्टिनेंट्स में फैलने लग जाए और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। बिगेस्ट पैंडेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है प्लेग ऑफ एथेंस जो 430 से 426 BC तक हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था, टाइफाइड फीवर, यहाँ पे टाइफाइड फीवर की वजह से बहुत सारे लोग मरे थे, एथेनियन ट्रूप्स जो थे बहुत सारे मरे थे, बहुत सारा पॉपुलेशन इसने ऑक्यूपाई कर लिया था और बहुत सारे पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, काफी ज्यादा फेटल था ये, तो इसकी वजह से बहुत लोग मरे थे, दैट वाज प्लेग ऑफ एथेंस, ठीक है। फिर आता है एंटोनाइन प्लेग, ये था 165 टू 180 AD तक, ये शुरू हुआ था स्मॉल पॉक्स की वजह से बेसिकली, और इसमें भी काफी करीब 5 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। फिर आया प्लेग ऑफ जस्टीनियन, ये हुआ था 541 टू 750 BC तक, 541 टू 750 तक, और पहला रिकॉर्डेड आउटब्रेक था ये ब्यूबोनिक प्लेग का। देखिए प्लेग के बारे में हमें बात कर रहे हैं, अभी तक जितना भी हमने बात की तीनों प्लेग है, लेकिन पहला जो रिकॉर्डेड आउटब्रेक था वो था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। फिर सबसे बड़ा पैंडेमिक और कौन सा था, ब्लैक डेथ, इसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी, 1331 से लेके 1353 तक था ये। टोटल नंबर ऑफ डेथ जो वर्ल्ड वाइड हुए थे वो 75 मिलियन पीपल मर गए थे इसमें। और इस आउटब्रेक के 800 साल के बाद फिर से प्लेग यूरोप में वापस आया, एशिया में हुआ और मेडिटेरेनियन रीजन में पहुंचा, वेस्टर्न यूरोप में पहुंचा, और करीब 20-30 मिलियन यूरोपियंस की डेथ हो गई सिर्फ 6 साल के अंदर। फिर आया स्पैनिश फ्लू, दैट वाज फ्रॉम 1918 टू 1920, करीब 500 मिलियन पीपल को इसने इन्फेक्ट किया था। और इसमें जो पैसिफिक आइलैंड के लोग हैं, आर्कटिक के लोग हैं, वो भी इंक्लूडेड थे, और इसमें जो डेथ का काउंट था वो कुछ 50 to 100 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी इसमें। नीरज पटेल, मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रही हूँ, कंटेंट इंग्लिश में होता है बट एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही होती है। फिर हम बात करते हैं पैंडेमिक के फेजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैंडेमिक्स के फेजेस क्या है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी बताया है कि इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक अलर्ट हुआ था उसमें बताया था कि फेज 1 टू फेज 6 तक होता है। फेज 1 होता है उसका इन्फ्लुएंजा का लो रिस्क इन्फ्लुएंजा, लो रिस्क फ्लू पैंडेमिक, और फेज 6 होता है फुल ब्लोन पैंडेमिक। तो फेज 1 में क्या है, कोई वायरस है एनिमल में है, ठीक है, अ वायरस इन एनिमल हैज कॉज नो नोन इन्फेक्शन इन ह्यूमन, जो वायरस है एनिमल में वो ह्यूमन में कोई इन्फेक्शन उसने कॉज नहीं किया, वो फेज 1 है। देखिए वैसे भी ये जो वायरसेस होते हैं जनरली जो ये पेंडेमिक्स होते हैं इनमें वायरसेस जनरली एनिमल से ही ट्रांसफर होते हैं ह्यूमन में, इसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। और जैसे अभी जो कोरोना वायरस हुआ था वो भी स्पिल ओवर की वजह से ही हुआ था, और जो जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं ऐसे वायरसेस को बोला जाता है जूनॉटिक एनिमल्स, ठीक है, जूनॉटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फेज 1 में क्या है, वायरस जो है वो एनिमल के अंदर है पर ह्यूमन में कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं किया है उसने। फेज 2 में क्या है, एनिमल फ्लू वायरस है उसमें उसने ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिया। फेज 3 होता है जब छोटे छोटे क्लस्टर में डिजीज होना शुरू होता है कि यहां से वहां थोड़ा थोड़ा है, कहीं कहीं पे डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज फेज 3। फिर आता है फेज 4। फेज 4 में पेंडेमिक के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फेज 3 में ही होने लग गया था तो वो पेंडेमिक के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, पर जरूरी नहीं कि पेंडेमिक हो, बस रिस्क बढ़ता है। फेज 5 में क्या होता है, ह्यूमंस में ये बहुत ज्यादा जो डिजीज है वो ह्यूमंस के बीच में स्प्रेड होना शुरू होता है और एक कंट्री से ज्यादा में बढ़ने लगता है। और फेज 6 में कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक्स होते हैं फेज 6 में। देखिए फेज 5 और फेज 6 में कहाँ डिफरेंस है कि फेज 5 में बोला जाता है कि जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है ह्यूमंस में वो हो रहा हो किसी भी WHO रीजन के एक कंट्री में, एक कंट्री से ज्यादा में, और उससे ज्यादा में अगर होता है तब उसको फेज 6 माना जाता है और उसको कहते हैं ग्लोबल पैंडेमिक, ठीक है। प्रिवेंशन टिप्स क्या हो सकते हैं, देखिए किसी भी पैंडेमिक के किसी भी वायरल के इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें क्या है, उसमें करना क्या होता है, आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स लेने। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी डिजीज है ऐसी जो स्प्रेड हो रही है तो वो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो उसको, जैसे आप हाथ रेगुलरली धोइए,
अभी भी जैसे कोरोना वायरस के लिए काफी ये फैलाया गया था कि ये चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें थी उसमें? पहला कि जो भी आपको प्रिवेंशन टिप्स दिए गए उनको फॉलो कीजिए, वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो उसको यूज कीजिए, बहुत ज्यादा लोगों में इसको स्प्रेड मत कीजिए, क्वारंटीन होके रहिए, आइसोलेट होके रहिए, अपने हाथ साबुन से और पानी से अच्छे से धोइए, और किसी भी एंटीसेप्टिक जेल फोम या लिक्विड से उसको अच्छे से रब कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को चिल्ड्रन से दूर रखिए, एनवायरमेंट को क्लीन रखिए, कॉफिंग और स्नीजिंग के वक्त अपने मुंह को ढकिए, उसके बाद अपने चेहरे पे नोज आईज और माउथ पे टच करना बंद कीजिए, क्योंकि जनरली यहीं से वायरस जो है बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, सिक पर्सन के कॉन्टेक्ट में मत रहिए, उनके पर्सनल आइटम्स को टच मत कीजिए क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। अगर आपको सिक पर्सन का ध्यान रखना भी है तो आपको क्या करना है, मास्क यूज करना है, उनसे कंटेमिनेटेड चीजों से दूर रहना है, एनिमल से दूर रहना है, जो दुखी लग रहे हो, जो जो बीमार लग रहे हो एनिमल्स, उनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स जनरली ये जो जितने भी आउटब्रेक्स हुए वो कहाँ हुए, एनिमल से ह्यूमन में हुए है ना, तो आपको एनिमल से दूरी बनाए रखनी है। यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे रोक सकते हैं आप, कि एनिमल से अगर आप एनिमल्स के आसपास से आए तो अच्छे से वॉश कर लीजिए हैंड्स को, और एनिमल्स को टच करना अवॉइड कीजिए। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स खा भी रहे हैं तो उनको प्रॉपरली बॉईल करके कुक करके खाइए, ऐसे मत खाइए, हाफ कुक्ड मील्स मत लीजिए। तो इस तरीके से आप एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे रोक सकते हैं, वही कि सिक पर्सन के टच में मत जाइए, एक जगह भीड़ बना के मत खड़े होइए, हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोइए, एंटीसेप्टिक्स यूज कीजिए, कॉफिंग और स्नीजिंग के वक्त मुंह को ढक लीजिए, अपने नोज आईज और माउथ को बार बार टच मत कीजिए, कंटेमिनेटेड चीजों से दूर रहिए। दीज आर ऑल द प्रिवेंशन टिप्स विच आर देयर फॉर एनी टाइप ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो इंडो म्यांमार और एक पैंडेमिक। तो इसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, आपको शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि आपको जब भी आंसर राइटिंग लिखना होगा तो शॉर्ट में लिखना होगा सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, इंडिया और म्यांमार के बीच में 10 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कम्युनिकेशन और हेल्थ के बीच में। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और म्यांमार के प्रेसिडेंट, उनके बीच में साइन हुआ है हैदराबाद हाउस में। इंडिया और म्यांमार में काफी ज्यादा रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक टाइज है। म्यांमार 4 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार इज द ओनली एशियन कंट्री, मतलब ये इकलौता ऐसा एशियन कंट्री है, आसियान कंट्री है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमें एक तरीके से गेटवे भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है म्यांमार का, और अभी का बायलेटरल ट्रेड जो है वो 1.7 बिलियन डॉलर्स का, यूएस डॉलर्स का है इन दोनों के बीच में। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस और कल्चरल रिलेशंस की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या है, बायलेटरल ट्रेड कुछ 1.107 मिलियन डॉलर्स का रहा काफी टाइम तक इन दोनों के बीच में। और वो जहाँ पे ये जो आसपास की जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, सिंगापुर वगैरह जो कंट्रीज हैं जो अपने ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं आगे, उसकी वजह से जो म्यांमार का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो काफी सीज हो गई है। लेकिन उसमें भी इंडिया के बिजनेस जो है, इंडिया के बिजनेसमैन है या इंडिया है, दैट विल इन्वेस्ट इन, दैट कुड इन्वेस्ट इन पावर, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स, इन सब में इन्वेस्ट कर सकती है। इन म्यांमार का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर उस लिमिटेड एक्सपोर्ट में ही जो सिंगल लार्जेस्ट आइटम है वो है पल्सेस। डिफेंस की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा म्यांमार के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया है। ठीक है, इंडिया के अंदर म्यांमार ने रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन सिस्टम्स, रेडार, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीजें ली है इंडिया से। कल्चरल टाइज की बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला तो है 11th सेंचुरी आनंद टेम्पल जो म्यांमार में है, जो डैमेज हो गया था अर्थक्वेक के टाइम पे, वो इंडिया के असिस्टेंस से वापस से रिनोवेट किया गया है। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कोलकाता से म्यांमार तक कनेक्ट करता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे खत्म नहीं हुए तो इंडिया को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं इंडिया की असिस्टेंस की म्यांमार के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो म्यांमार में 6 सेंटर्स हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज से लेके इंडस्ट्रियल स्किल्स तक ट्रेनिंग मिलती है, उसमें इंडिया का असिस्टेंस हुआ है, इंडिया ने हेल्प की है। म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मैंडले में सेटअप है, वो कोलेबोरेशन में था IIT बैंगलोर के साथ, वो काफी ज्यादा ह्यूज हिट रहा है। उसके अलावा एडवांस सेंटर है, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, जिसको सेटअप किया गया था ICAR के साथ, तो ये भी रिसर्च के फील्ड में काफी अच्छा वर्क कर रहा है।
अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना के ऑर्बिट में ना आ जाए सारी कंट्रीज, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनाकर रखे म्यांमार म्यांमार इंडिया के साथ, ताकि म्यांमार कहीं चाइना के अंडर चाइना के ऑर्बिट में स्लिप ना हो जाए, चाइना के साथ ना चला जाए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप बना के रखे म्यांमार के साथ। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो नागा इंसर्जेंट्स हैं या वैसे भी मिलिट्री ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम होती रहती है आए दिन, उसको सॉल्व करने के लिए हमें म्यांमार की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो उसी के बॉर्डर में, ने बड़ा ना अभी उसके बॉर्डर में है। फिर रोहिंग्यास का जो प्रॉब्लम है उसको कम्प्लीटली खत्म करने के लिए, जैसे अब रोहिंग्यास वहां से भाग के इंडिया में आ गए तो इंडिया भी अब वापस भेजना चाहता है, राइट। तो इन सारी ये जो प्रॉब्लम्स है रोहिंग्यास की जो प्रॉब्लम है, इन सबको सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया का कोऑपरेशन म्यांमार के साथ, और इसलिए इंडिया इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है म्यांमार के साथ। पर चैलेंजेस क्या है इसमें? इंडिया की गवर्नमेंट म्यांमार के रोहिंग्यास इमिग्रेंट्स के लिए काफी कंसर्न है, राइट। नेगोशिएशन करना चाह रही है वो डिपोर्टेशन के लिए, वो चाहती है कि रोहिंग्यास जो है वो डिपोर्ट हो जाए, वापस चले जाए वहां पे म्यांमार में, लेकिन वो एक प्रॉब्लम जैसा बना रहता है क्योंकि म्यांमार से वैसे ही उनको भगा दिया गया है, तो वापस हम म्यांमार भेजना चाह रहे हैं, तो वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है इन दोनों के बीच में। उसके अलावा जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने बताया है कि बॉर्डर पे काफी ज्यादा स्मगलिंग देखने को मिलती है, और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पे वो अच्छा नहीं है, राइट। ये कुछ चैलेंजेस हैं। उसके अलावा इन दोनों में मैरीटाइम बाउंड्री है काफी, ये दोनों मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अगर दोनों सही से मिलकर नहीं रहते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री दूसरे पे हमला कर सकती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, ठीक है। जो भी कंट्रीज आपके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है उनका आपके साथ अच्छे रिलेशन होना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं पैंडेमिक की। तो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, रियल रीजन अभी भी नहीं पता है, रियल रीजन किसने पूछा, रियल रीजन अभी भी नहीं पता है कोरोना वायरस आउटब्रेक का, बस यही बोला जा रहा है कि एनिमल से ह्यूमन में आया था और वहां से फिर आउटब्रेक होता गया है, ठीक है। तो उसी की वजह से पैंडेमिक का इशू उठा है ये, और राज्यसभा टीवी में पैंडेमिक के ऊपर काफी बड़ा डिस्कशन हुआ था, जिसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे समझाया आपको। पैंडेमिक होता क्या है? बेसिकली एपिडेमिक क्या होता है? कोई भी डिजीज जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको एपिडेमिक कहते हैं, और वही एपिडेमिक जब बहुत सारे कंट्रीज में फैलने लग जाते हैं तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो पैंडेमिक होता क्या है? जब कोई एपिडेमिक बहुत तेजी से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फैलने लग जाए तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। अगर किसी एपिडेमिक डिजीज के किसी भी डिजीज के सिम्टम्स अगर इतने विजिबल नहीं है या स्टेबल है तो उसको हम नहीं बोलेंगे पैंडेमिक। पहले भी ऐसे काफी सारे केसेस देखे गए हैं, जैसे कि HIV हो गया, फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, स्पैनिश फ्लू है, फ्लू पैंडेमिक है H1N1, तो ये सब पहले भी देखे गए, ब्लैक डेथ है, तो इस तरीके के पैंडेमिक्स पहले भी देखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो कई चार तरीके के स्टेजेस होंगे। पैंडेमिक पहुंचने से पहले जो डिजीज होगा वो स्पोरेडिक हो सकता है, एंडेमिक हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, या फिर पैंडेमिक हो सकता है। तो स्पोरेडिक का क्या मतलब है? स्पोरेडिक का मतलब है कि जब वो इररेगुलरली फैल रहा हो, ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली इररेगुलरली फैल रहा हो तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं। बहुत इधर उधर करके फैल रहा हो तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर हो गया फिर खत्म हो गया, फिर उधर कहीं कोने में हो गया फिर खत्म हो गया, इस तरीके का हो गया तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है जब किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, उसी एरिया में हो, तो उसको कहते हैं एंडेमिक। फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? जब किसी एरिया में सडनली बहुत ज्यादा तेजी से कोई डिजीज फैलने लग जाए तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या होता है? जब वही डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलने लग जाए तो उसको कहते हैं पैंडेमिक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पैंडेमिक डिजीज, ठीक है, स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। फिर हम बात करते हैं बिगेस्ट पैंडेमिक्स की। तो कुछ बिगेस्ट पैंडेमिक्स रहे, जैसे प्लेग ऑफ एथेंस जो 430 टू 426 BC तक रहा है, एंटोनाइन प्लेग जो 165 टू 180 AD तक रहा है, फिर प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 टू 750 तक रहा है। फिर इंपॉर्टेंट आता है ब्लैक डेथ 1331 से लेके 1353 तक, जिसमें करीब 75 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। फिर आता है स्पैनिश फ्लू, जिसमें 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया गया था। और ये तो कुछ थे पैंडेमिक्स के जो एग्जाम्पल्स थे। अब इंपॉर्टेंट है कि फेजेस क्या होते हैं पैंडेमिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, WHO के हिसाब से जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक था उसके 6 फेजेस थे। पहला, जब वो सिर्फ वायरस में था, लेकिन जो वायरस था वो सिर्फ एनिमल में था लेकिन उसने किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं किया था। दूसरा फेज आता है जब एनिमल फ्लू वायरस जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करना शुरू करे। तीसरा, जब कहीं कहीं थोड़े बहुत केसेस देखने को मिले। चौथा, जब पैंडेमिक का रिस्क बढ़ जाए। पांचवा, जब वो डिजीज ह्यूमंस में स्प्रेड होने लग जाए और किसी भी WHO रीजन में, किसी भी एक WHO रीजन के किसी एक कंट्री से ज्यादा में स्प्रेड हो जाए तो फेज 5 होता है, और अगर उससे भी ज्यादा में स्प्रेड हो रहा है तो वो होता है फेज 6। प्रिवेंशन टिप्स क्या होंगे? दो टाइप के, इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो
इसमें एक तरीके तो वो हो जाएगा कि ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रिवेंशन टिप्स हो सकते हैं, और दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए प्रिवेंशन टिप्स हो सकते हैं। तो एनिमल टू ह्यूमन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एनिमल से दूरी बनाए रखें। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉइल करके कुक करके यूज करें, ऐसे यूज ना करें, ठीक है। आने के बाद साबुन और पानी से हाथ को अच्छे से धोएं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करें। ऐसे ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रोकने के लिए भी आप क्या करेंगे, मास्क यूज कर सकते हैं। मास्क यूज करने के अलावा आप इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आसपास हैं तो अच्छा मास्क यूज करें, 95 रेस्पिरेटर आता है वो यूज करें। अदरवाइज अपने हाथ अच्छे से साबुन और पानी से 20 सेकंड्स तक कम से कम धोएं, डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करें, जो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको टच ना करें, कंटेमिनेटेड थिंग्स को बिल्कुल टच ना करें, और अपने माउथ नोज और आईज को टच करना अवॉइड करें बार बार, क्योंकि वहीं से वायरस की एंट्री होती है सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं, दीज आर द प्रिवेंशन टिप्स, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगी मैं, ऐसे ही रोज कोर्सेज आएंगे, 11 बजे और 12 बजे लेसन होंगे, तो अपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के अलावा आप एक और चीज करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, और लाइक और शेयर जरूर करें, आपके लाइक से ही मोटिवेशन बढ़ती है, आपको पीडीएफ डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो मुझसे जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में लिखे पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको एक मिनट देती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम ऑफ माई क्लास इट्स 11 AM एंड 12 AM ऑन यूट्यूब, एंड स्पेशल क्लास होती है वो 2 बजे और 4 बजे होती है, वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है। उसके अलावा शाम को 6 बजे मेरी प्लस क्लास शुरू हो गई है सी सैट के लिए, तो उसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, तो वो क्लास आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी। और उसके लिए लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, तो सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन उसके वक्त सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप ये कोड बिल्कुल ना भूलें, आपको कोड यूज करना है। जस्ट अ सेक, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। चलिए आपको मैं कोड वैसे बता देती हूँ, रजनी लाइव है, RAJNI लाइव, ये रहा कोड, ये रेफरल कोड है, इस कोड को जरूर यूज करें। दीन बंधु झा, ये क्लास रोज होगी, अब यूट्यूब पर क्लास रोज होगी, और उस पर भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी रोज क्लास होगी। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप लेना चाहते हैं तो इस कोड को जरूर यूज करें। उसके अलावा भी अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, रजनी झा के नाम से ही है, RAJNIJHA के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे खुद को ऐड कर लीजिए। और अगर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो फेसबुक पे UPSC विद रजनी झा के नाम से पेज है, वहां पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है आपके तो पूछ लीजिए जल्दी से। नो प्रॉब्लम, तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और आपको जो भी क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी आपके अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मैंने बताया, आप फेसबुक पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम नेम इज रजनी झा, RAJNIJHA टेलीग्राम नेम, मेरे नाम से ही है, रजनी झा के नाम से ही है, तो आप उसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और इस लेसन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दैट गिव्स अस मोटिवेशन।
टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रजनी झा, मेरे नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, RAJNIJHA, वहीं से इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे खुद को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।